एक लाल रंग का पत्थर है, उसे हम पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा? लाल कलर फेंकेंगे क्यों ऐसे? भाई गिर गया, चलो चलो भाई गिर गया, हम गुजर रहे थे हाथ से गिर गया, क्या होगा? हाथ में आप पत्थर लेके घूमते? हाँ मेरी पॉकेट में भी होता है। ये तो करना क्या उसका भाई, गिर गया पानी में, गिर गया पत्थर, अब पत्थर हाँ पत्थर पे क्या रिएक्शन आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा पत्थर, वो क्यों चेंज होगा भाई? पत्थर लाल रंग का पत्थर है, पानी में गिरा क्या होगा? लाल ही रहेगा, पानी ऊपर आएगा। एक जहाज है वो 90 मिनट में कराची से लाहौर जा रहा है जी। और 1.5 घंटा वापस आने में क्यों लगा रहा है? इमरजेंसी होगी उसको कोई। ठीक है इमरजेंसी में तो जरा जल्दी नहीं आता बंदा? बिल्कुल आता है। वो देर क्यों लगा? किसी ने दम वगैरह किया होगा कि वो ना जाए। किसी ने दम किया होगा कि वो ना जाए? ना जाए। दम किया होगा जी, जादू कर दिया होगा? जादू कर दिया होगा। वाह वुमन वाह वुमन। एक जहाज है वो 90 मिनट में कराची से लाहौर जा रहा है, लाहौर से कराची 1.5 घंटे में कैसे आ रहा? अच्छा इतना दिमाग होता ना मेरा, यकीन माने मैं टिकटॉक पे नहीं होता। अरे नहीं नहीं, इसका मतलब टिकटॉकर्स के पास दिमाग नहीं होता अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुरैन है। हुरैन माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है हुरैन। ये माशाल्लाह से ड्रेसिंग खूबसूरत सी करके आज क्या शूट वगैरह चल रहा है? जी मेरी फ्रेंड का एक पेज है, वो स्टार्टअप बिजनेस, तो मैं उसकी शूट कर पाई। उसके पेज का नाम जोरे शाह है, प्लीज डू फॉलो एंड बाय हर स्टफ। ओके और ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, हम चाहते हैं हमारी यूथ हमारी जनरेशन बिजनेस करे आगे आए। हुरैन मुझे ये बताओ कि एक जहाज है और मैं ये बता दूं कि पीछे से कोई आंसर नहीं देगा, इनकी बहुत सारी दोस्तें पीछे खड़ी हैं। एक जहाज है वो 1.5 घंटे में कराची से लाहौर जा रहा है, तो 90 मिनट में कैसे वापस आ रहा है? इमरजेंसी होगी इसको कोई। इमरजेंसी में तो जरा जल्दी नहीं आता बंदा? बिल्कुल आता है। तो वो देर क्यों लगा? शायद उसने नहीं आना होगा। शायद उसने नहीं आना होगा, ये बात मद्देनजर रखें कि आपने अपने आप को 10 में से 10 नंबर दिए कॉमन सेंस में, तो जवाब आना चाहिए आप। बिल्कुल। हाँ तो सोचें, 90 मिनट में जो है ना वो कराची से लाहौर जा रहा है और 1.5 मिनट में कैसे आ रहा है यहाँ पे? 1.5 घंटे 1.5 घंटे में कैसे आ रहा है? वो इसलिए जा रहा है कि उसमें ना पेट्रोल कम था, तो उसने कहा कि कहीं बीच में स्टेशन आ जाए, वो बेचारा देखता हुआ आया था। कुछ भी शायद वो आना नहीं चाह रहा होगा। नहीं वो आना चाह रहा है, उसके पास 200-300 पैसेंजर है, उसकी मजबूरी है, उसने आना है। शायद वो रुका हो किसी वजह से। चले रुक भी गया तो फिर भी लेट क्यों आया? पेट्रोल खत्म हुआ होगा। पेट्रोल खत्म हुआ होगा, और कोई जवाब? और किसी ने दम वगैरह किया होगा कि वो ना जाए। क्या? किसी ने दम वगैरह किया होगा कि वो ना जाए। आहा, किसी ने दम किया होगा कि वो ना जाए। ना जाए दम किया होगा जी। दम कैसे होता है? मतलब दम कैसे होता है? किसी का जादू कर दिया होगा? जादू कर दिया होगा। वाह वुमन वाह। क्या जवाब दिया कि किसी ने जादू? भाई कोई क्यों करेगा जादू? क्योंकि उसको पता होगा ना, उसको पता होगा कि मेरे जानने वाला जा रहा है जहाज पे, उसने बताया होगा कि मैंने जाना है। ये सही जवाब था, इसीलिए ये सही जवाब हरगिज नहीं था। फिर थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, जरा स्पीड बढ़ाएं उसकी। अच्छा थोड़ा और दोबारा सोचें। अच्छा वो क्या हुआ कि हुकूमत ने ना वो 1 घंटा पीछे टाइमिंग कर दी थी। अच्छा इतना दिमाग होता ना मेरा, यकीन माने मैं टिकटॉक पे नहीं होता। अरे नहीं नहीं, इसका मतलब टिकटॉकर्स के पास दिमाग नहीं होता अभी। होता है लेकिन ये है कि मैं क्या जवाब दूं, मुझे नहीं पता। आपने सवाल गौर से सुना है? 90 मिनट में वो गया। हाँ, 1.5 घंटे में कैसे वापस आ रहा है यार, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? इसलिए कि देखिए 90 मिनट में जब वो पहुंच गया था ना वहाँ पे, फिर वो वहाँ पे रुका, स्टे किया, फिर ये वो, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो 1.5 घंटे के बाद ही वापस आया। बहुत दिमाग लड़ाया है, जाते हुए ड्राइवर चला रहा था, आते हुए कंडक्टर को बैठा दिया। कुछ और जवाब दें, सोचें जरा सवाल। फिर जाते हुए कंडक्टर चला रहा था, आते हुए वो ड्राइवर बैठ गया। अच्छा चले, आप में कोई टैलेंट है? हाँ क्या? अभी तो घर छोड़ के आया हूँ। साथ रखा करें, कहीं भी दिखाना पड़ जाता है। अभी लेके आया। तो पता है कि कराची में तूफान क्यों नहीं आया? क्यों?
औरतों की वजह से, औरतें सारी समंदर पे चलेगी, तूफान ने बोला मैं नहीं टकराऊंगा। आपका नाम क्या है? वही पहले वाला मुझे नहीं पता। जुल्फिकार मुन्ना, बाल बच्चों समेत। अच्छा, बाल बच्चों समेत। अच्छा, अपनी किसी एक्स के लिए कोई गाना डेडिकेट कर दे। बीवी से मार पड़ेगी। अच्छा, सफर 1 घंटे 90 मिनट ही होते हैं। और कितनी स्मार्ट लड़की है यार, इससे मुझे कुछ और सवाल पूछना चाहिए। चलो मैं दूसरा पूछ लो। आप मुझे ये बता दो, एक लाल रंग का पत्थर है, उसे हम पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा? लाल फेंकेंगे क्यों वैसे? गिर गया, चलो गिर गया, हम गुजर रहे थे, हाथ से गिर गया, क्या होगा? हाथ में पत्थर लेके घूमते हैं। हाँ, मेरी पॉकेट में भी होता है। ओके, तो करना क्या उसका? भाई गिर गया, पानी में गिर गया पत्थर। अब पत्थर, हाँ, पत्थर पे क्या रिएक्शन आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? पत्थर है, वो क्यों चेंज होगा? भाई पत्थर लाल रंग का पत्थर है, पानी में गिरा, क्या होगा? लाल ही रहेगा, पानी ऊपर आएगा। यार ये गलत बात है यार, ये क्यों पीछे से जवाब आ रहे हैं, पीछे से जवाब क्यों आ रहे हैं? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा, आपका क्या नाम है? माहम। माहम, आप मुझे इस बात का जवाब देते हैं, एक गधा है 26वें फ्लोर पे खड़ा है, घास पड़ी हुई है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, गधा घास कैसे खाएगा? आपने बताना है, पूछना नहीं है आपने। मैं जवाब दूंगी। नहीं बताना आप बताएं। मुझे नहीं पता। सोचें तो। गधे से कोई ताल्लुक नहीं। अरे दिमाग तो चलाएं। कौन? 26वें फ्लोर पे गधा खड़ा है, ठीक है, और ग्राउंड फ्लोर पे घास पड़ी है, गधा घास कैसे खाएगा? नहीं देना, नहीं आप घास नहीं खाता। अच्छा, गधा क्या? बर्गर, जिंगर। गधा घास नहीं खाता, गधा जिंगर खाता है। गधा जिंगर खाता है, घास ही खाता है। गधा भी घास ही खाता है, गधा भी घास ही खाता है। मुझे नहीं पता। गधा हार मानी आपने, हार मानी। गधे ने भी हार मान ली थी, उसने भी कहा था मैं घास नहीं खाऊंगा। अच्छा, लड़के जो हैं वो कहाँ के खूबसूरत हैं, कराची के या लाहौर के? यार मैंने कभी ताड़े नहीं है लड़के, तो आई डोंट नो। ओके, ताड़ना मतलब जरूरी नहीं है, आप ताड़े तो आपको पता चलेगा। ताड़ोगे तभी तो पता चलेगा ना कि बंदे कैसे हैं सामने वाले। इमेजिनेशन के खूबसूरत अच्छे होते हैं। मुझे पता था कराची की जो मेजोरिटी है ना लड़कियों की, वो कोरियन लड़के ड्रामास जो है ना उनको वही अट्रैक्ट करते हैं। टर्किश भी अच्छे होते हैं। अच्छा, किस तरह का लड़का चाहती हैं जिससे आपकी शादी हो? वो आपको बता दूंगा फायदा। मैं नहीं बताना, आप मुझे ढूंढवा के देंगे। मैं कोशिश कर लूंगा, इससे अच्छी और कौन सी बात है। अगर मेरे जरिए आपको आपकी आपको आपके ख्वाबों का शहजादा मिल जाएगा तो और क्या। वो मम्मा को बता दूं, बेटर रहेगा। अभी मेरा ऐसा नहीं, मेरी एज नहीं है बंदे डिसाइड करने की। वेल आप में कोई टैलेंट है जी? शेर सुना दें। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार प्यार से प्यारा नहीं मिलता, आज जो पास है उसको संभाल कर रखो, क्योंकि जो एक बार खो जाए वो दोबारा नहीं मिलता। वाह वाह, मैं क्या शेर सुनाया, ये वो वाला शेर है जो बचपन में हम लोग कार्ड्स पे लिख के अपने दोस्तों को नहीं देते थे ईद पे, ईद कार्ड्स पे। मुझे वाकई वो वाली याद आ गई। आप वैसे अपनी कॉमन सेंस को आउट ऑफ 10 कितना रेट करती हैं? कभी जज नहीं किया। जज नहीं किया, चलें आज मैं पब्लिक को मौका दे दूं कि वो आपकी कॉमन सेंस जज कर लें। आपकी इजाजत है कि लोग जजमेंटल हो जाएं? हालांकि इजाजत देनी नहीं चाहिए किसी को कि वो जजमेंटल हो के आपको जज करे, लेकिन हमने आपने इजाज़त दे दी तो मैं पूछ लेता हूँ। मुझे ये बता दें, एक जहाज़ है 90 मिनट में कराची से लाहौर जा रहा है, और लाहौर से कराची आते हुए 1.5 घंटा लग रहा है, उसे क्यों लग रहा है? तो 90 मिनट में और 1.5 घंटे में फर्क ही क्या? क्या मतलब फर्क? कोई फर्क नहीं है। इंटेलिजेंट है लड़की, तो इंटेलिजेंट है। चले एक सवाल का और जवाब दे दें। लाल रंग का पत्थर है, उसे पानी में फेंकेंगे क्या होगा? लाल रंग का पत्थर है, पानी में फेंकेंगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। होगा, पत्थर है ना, वो पत्थर को होगा। आपने बताना है क्या होगा? रंग उतर जाएगा उसका। लाल रंग का पत्थर है, गीला हो जाएगा। गीला हो जाएगा, ये भी कहीं से आवाज आई है पीछे मजमे में से, गीला हो जाएगा।